काश ऐसा होता कि हमारा इंडियन खाना भी जीरो ऑयल यानी कि बिना तेल घी का बन पाता तो कितना बढ़िया होता। आहा, और उसी के साथ अगर वो बिल्कुल स्वादिष्ट वैसा ही टेस्ट भी आ जाता तो कैसा? क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है पंकज, दिमाग लगाओ और सबको दिखाओ एक जीरो ऑयल थाली जो हो स्वादिष्ट भी और सेहत से भरी। जो आज्ञा प्रभु। तो भाई लीजिए, प्रभु की आज्ञा अनुसार आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक जीरो ऑयल थाली। जी हाँ, पूरा का पूरा हिंदुस्तानी खाना, वो भी बिना घी तेल के और उतना ही स्वादिष्ट जैसा आप खाना बनाते हैं। तो क्या कहते हैं, बनाया जाए आज जीरो ऑयल थाली? तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो आज का जो हमारा मेन्यू है जीरो ऑयल थाली वाला, वो क्या होने वाला है, चलिए वो आपको पहले मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले तो बनाने वाले हैं हम राजमा, और इसी के साथ बनाएंगे एक आलू की सूखी सब्जी, और बनाएंगे एक पनीर की सब्जी, और बनाएंगे लहसुनी पालक, चावल, रोटी, पापड़, और इसी के साथ साथ एक अचार भी, इंस्टेंट अचार बिना घी तेल वाला। है ना बढ़िया मेन्यू? तो चलिए बनाते हैं। और सबसे पहले तो भाई राजमा उबालने चढ़ाते हैं। अच्छा, बस राजमा को मैंने रात भर भिगो करके रखा था और उसका पानी सारा निकाल दिया है। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में ले लेते हैं अपना राजमा। इस राजमा में अब मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। तो ये एक प्याज मैंने काट लिया है, ये प्याज ऐड कर दिया जाए। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें थोड़ा सा लहसुन, और अब ये अदरक भी इसमें ऐड कर देते हैं। और क्या डालेंगे? और डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, एक तेज पत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी का, आधा फूल जावित्री का, और डाल रही हूँ दो मोटी इलायची, दो छोटी इलायची, और डालेंगे हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, कश्मीरी लाल मिर्च एक बहुत ही अच्छे से कलर के लिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी। इसी के साथ पानी, जितना राजमा है बस उतना ही ऊपर इसमें मुझे पानी भी चाहिए। और अभी से मैं पका लूँगी तकरीबन 6 से 7 विसल्स आने तक, या तब तक जब तक मेरा राजमा अच्छे से गल नहीं जाता। और अब बॉइल्ड आलू है मेरे पास यहाँ पर, तो इसको मैं छील लेती हूँ। आलू को अब पीसेस में कट कर लेते हैं। बहुत बड़े पीसेस मत कट कीजिएगा, जितने छोटे पीसेस होंगे ना उतना इस पर मसाला अच्छे से लिपट जाएगा। और अब आलू का मसाला, जिसके लिए ले रही हूँ मैं 1 टीस्पून यहाँ पर जीरा, इसी के साथ 2 टीस्पून ले रही हूँ धनिया, 1 खड़ी लाल मिर्च। धनिया जीरा की बढ़िया से भुनने की खुशबू आने लग गई है। अब मैं क्या करूँगी, गैस को कर दूँगी बंद, और इसमें ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून सूखी कसूरी मेथी। जितनी हीट इस पैन में है ना, उतनी हीट में ये कसूरी मेथी भी अच्छे से फ्रेग्रेंट हो जाएगी। और अब इसे ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद मिक्सी में पीस लेंगे और इसका एक दरदरा सा यानी कि कोर्स पाउडर बना लेंगे। अब वापस इसी नॉनस्टिक पैन में मैं डाल दे रही हूँ अपने कटे हुए आलू। अब एक सूखे मसालों का मैं पेस्ट बनाऊंगी, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा। अब इसमें ऐड करूंगी पानी, थोड़ी सी हरी धनिया और हरी मिर्चें भी काट ली जाएं अपनी आलू की सब्जी के लिए। ये जो आलू मैंने डाले थे ना, देखिए कैसे उन्होंने कलर लेना शुरू कर दिया है। डाल के बस नॉनस्टिक पैन पे मैंने उनको छोड़ दिया था, इनको हल्का सा पलट दे रही हूँ ताकि दूसरी तरफ से भी ये आलू थोड़े से भून जाएं। तो आलू भी जब ले लेंगे इतना अच्छा सा एक कलर, अब इस पर ऐड कर दूंगी मैं ये अपने सूखे मसाले जिनको मैंने पानी में घोल लिया है। ऐसा करने से ये मसाले जलेंगे नहीं और मेरे आलू को अच्छे से लपेट देंगे। इन्हें टॉस कर लीजिए ताकि ये सारे मसाले आलू को अच्छे से पकड़ लें,
एक लटपटे से मसाले हो जाएं और मसाले भी पक जाएं, इसमें हल्दी की कच्ची खुशबू या धनिया की कच्ची खुशबू बिल्कुल ना रहे। आलू के साथ मसालों का आ गया बढ़िया सा स्वाद। और अब ये जो ताज़ा भुना पिसा मसाला है ये ऐड करेंगे इस पर। इसे थोड़ा चटपटा ही रखिएगा, जितनी बढ़िया चटपटी ये सब्जी बनेगी ना उतना ही स्वाद आपको आएगा, क्योंकि घी तेल नहीं पड़ा है ना इसमें। तो डाल देते हैं हरी मिर्च, हरी धनिया और इसे देते हैं एक क्विक टॉस। ओहो वाह वाह क्या बात है। तो लीजिए भाई, आलू की सब्जी भी तैयार हो गई, अब पनीर की सब्जी की तैयारी कर ली जाए। एक कप लूंगी यहाँ अपने पैन में पानी। तो पहले तो 5 से 6 कली लहसुन की, इसी के साथ थोड़ा सा अदरक, इसी के साथ एक छोटा प्याज, इसे भी रफली चॉप कर लेते हैं, और टमाटर ढेर सारे, तकरीबन 4 से 5 टमाटर मैं ले लूँगी। इनको भी मोटा मोटा कट कर लेते हैं और ये टमाटर भी अब इसमें डाल देती हूँ। इसी के साथ डालूंगी इसमें मैं 1 टेबलस्पून टुकड़ा काजू, 1 टेबलस्पून ये खरबूजे या तरबूज के बीज जिन्हें हम मेलन सीड्स कहते हैं, कुछ काली मिर्च के दाने, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 छोटी इलायची। अब इसमें इसके साथ मैं ऐड करूंगी नमक, कश्मीरी लाल मिर्च जो इसे एक बहुत अच्छा सा कलर भी देगी और हाँ फ्लेवर तो देगी। और इन सब को अब हम पका लेंगे जब तक ये प्याज टमाटर अदरक लहसुन अच्छे से पक नहीं जाता और टमाटर छिलका नहीं छोड़ देता, तब तक तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो देखिए ये टमाटर गलने लग गया है, छिलका जो है इसका वो फ्लैश से अलग होने लग गया है। तो जब तक ये पनीर की ग्रेवी तैयार होती है अपनी तीसरी डिश लहसुनी पालक की तैयारी कर लेती हूँ। लहसुन को मैं पतले पतले फ्लेक्स में कट कर ले रही हूँ। तो अब ये लहसुन को मैं अपने पैन में यहाँ ऐड कर दूँगी और इसे ब्राउन होने के लिए छोड़ दूँगी। और तब तक मैंने यहाँ पर पालक को धो करके रख लिया है, इसकी पत्तियों को निचोड़ करके निकाल लेते हैं और इसके बाद इसको भी मैं रफली चॉप कर लेती हूँ। तो गार्लिक को हम ब्राउन कर लेंगे ताकि इसमें आ जाए लहसुन की बढ़िया सी खुशबू। इसे मीडियम हीट पे आप ब्राउन होने दीजिएगा ताकि ये बाहर से भी ब्राउन हो और अंदर से भी अच्छे से पक जाए। आहा हा अभी से लहसुन की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। और अब इसमें ऐड कर देते हैं ये पालक की पत्तियाँ, और इसी के साथ साथ थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने काट के रखी हुई है तो वो भी ऐड कर देती हूँ इसमें। इसे करते हैं हम स्टर। पालक अपना पानी छोड़ेगा और उस पानी के साथ साथ इसमें आ जाएगा लहसुन का फ्लेवर। इसे कुक कर लेते हैं जब तक पालक विल्ट नहीं हो जाता। पालक का मॉइस्चर हम सूख जाने देंगे ताकि पालक भी थोड़ी सी भून जाए, तभी तो वो भुजिया जिसे भूज के यानी कि भून के बनाया जाता है उसका स्वाद आएगा। एट दिस स्टेज आई एम ऑल्सो गोइंग टू ऐड टू दिस सम रेड चिली फ्लेक्स और इसी के साथ थोड़ा सा नमक भी। सच बताऊं इस वक्त बिल्कुल वैसा खुशबू मुझे आ रहा है, बिल्कुल वैसा अरोमा मुझे आ रहा है जैसा कि तेल में भूनते वक्त पालक की सब्जी का आता है। मेरा पनीर का जो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्याज टमाटर सब इकट्ठा चढ़ाया था ना वो भी रेडी हो चुका है। गैस को कर दिया है बंद, इसे करते हैं ठंडा और साथ ही साथ पीस के बना लेते हैं इसका एक फाइन पेस्ट। और अब इस पेस्ट को पहले मैं छन्नी की सहायता से छान लेती हूँ ताकि इसका एकदम स्मूथ पेस्ट मुझे मिल जाए और इसमें थोड़ा सा भी कोर्सनेस नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए एक स्मूथ ग्रेवी हमारी रेडी हो गई। अब इस ग्रेवी को ले लेते हैं वापस हम अपने पैन में। इसी के साथ ऐड करूंगी मैं इसमें रेडीमेड टमेटो प्यूरी, ये बाज़ार की टमेटो प्यूरी है तो ये एक इसको अच्छा सा कलर देने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा इसमें लाल मिर्च नमक ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ तो अब मुझे इसमें क्या ऐड करना है भाई, पहले तो पनीर ऐड करना है। इन पनीर के पीसेस को अपनी ग्रेवी में ऐड कर दीजिए और अब इसे इस ग्रेवी के साथ हम पका लेंगे जब तक
ये सारे फ्लेवर्स जो है स्पाइसेस के उनको अब्जॉर्ब नहीं कर लेता, पनीर भी थोड़ा सा कुक हो जाएगा। तो जब तक मेरा पनीर पकता है तब तक क्या किया जाए, राजमा उबल चुकी है उसे भी आगे पका लिया जाए। राजमा गल चुका है और मैंने उसे एक पैन में निकाल लिया है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं टोमेटो प्योरे, एडिंग अबाउट 1/4 cup ऑफ टोमेटो प्योरे टू दिस। और इसी के साथ सूखे मसाले भी ऐड करूंगी इसमें। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और साथ ही थोड़ा सा जीरा पाउडर भी। इसे चला लीजिए, मिला लीजिए और अब धीमी आंच पर हम इसे पकने देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक ये सारे मसाले भी नहीं पक जाते, पनीर भी पक रहा है। पनीर में अभी दो चीज़ें मैं और ऐड करूंगी। सबसे पहले तो ऐड करूंगी इसमें मैं कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को अपने हाथ से थोड़ा सा रगड़ कर, और इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ी सी क्रीम। तो पनीर भी पक रहा है, राजमा भी पक रहा है, आलू बन गया है और साथ ही साथ में हमने पका लिया अपनी लहसुनी पालक, रायता बना लिया जाए और वो जो बिना तेल वाला अचार आपको बताया था वो भी डाल दिया जाए। अपना रायता बनाने के लिए मैंने प्याज टमाटर को कट कर लिया है और मैं बना रही हूँ प्याज टमाटर हरी मिर्च यानी कि वेजिटेबल्स का रायता। देखा, बूंदी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि बूंदी तो दली हुई होती है। तो ये टमाटर भी महीन महीन मैंने काट लिए। दही को थोड़ा सा पहले फेंट लिया जाए और अब इस दही में ऐड करेंगे नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी, ये कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, मिक्स दीज टुगेदर, रायता ऑल्सो डन, पनीर इज ऑल्सो डन। आहा, राजमा पकने की भी भाई बढ़िया सी खुशबू आ गई है। ये देखिए राजमा भी कितने अच्छे से पक चुका है, कितना क्रीमी हो रहा है। इसे अभी थोड़ा सा और पकाते हैं और तब तक अपना अचार बनाते हैं। तो ये हमने बना लिया अदरक के जूलियंस। तो सबसे पहले ले लेते हैं अपने बोल में ये अदरक और इसी के साथ साथ हरी मिर्च। अब हरी मिर्च को आप चाहें तो फाइन चॉप कर सकते हैं, चाहें तो आप स्लिट करके डाल सकते हैं। और इसमें ऐड करेंगे नमक और इसी के साथ साथ नींबू। अब इन सबको मिलाकर आप छोड़ दीजिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और देखिए एक इंस्टेंट अचार कैसे तैयार होता है। राजमा इसे भी चेक कर लिया जाए। हाँ, ये देखिए, अब इस राजमा को देख के क्या कोई कहेगा कि इसमें घी तेल नहीं पड़ा हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखिए राजमा भी रेडी हो चुका है, सारी की सारी सब्जियां हमारी बिना तेल वाली रेडी हैं। अब क्या कहते हैं, थाली सजा ली जाए जीरो ऑयल वाली। अब ये बताइए कि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? अरे भाई नहीं किया है तो जल्दी कीजिए ना, तभी तो सोचिए ऐसी जीरो ऑयल थाली जैसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और हाँ, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं, जानते हैं ना, मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की ये जीरो ऑयल थाली आपको कैसी लगी।